था दादी को लेकर, बिकॉज दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की आज सुबह सुबह 6 बजे, लेट हो गया थोड़ा। चलते फिलहाल बिना लेट किए और भी हमारे टेम्पल, लेट्स गो गाइस। हमारी डिस्कॉर्ड लेकर तो फाइनली पहुंच गए थे, कनेर के पुष्प भी ले लिए थे हमने। वैसे गाइस क्या मस्त लग रहा है, चेक करो सनराइज होने को आया, क्या मस्त व्यू मिल रहा है भाई। पूजा तो हो गई थी गाइस एंड मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ मस्त सनराइज गाइस, चेक करिए। क्या सुकून भरा सनराइज है ना, गुड मॉर्निंग गाइस। चेक करिए यहाँ पर भी मजेदार व्यू गाइस। तो मंदिर से कर पहुंच गए थे हम एंड दादा और दादी मिलके मस्त चाय नाश्ता रेडी कर रहे हैं हमारे लिए, मसालेदार चाय एंड गर्मा गर्म थेपला। डैडी मस्त थेपला और चाय, मस्त चाय नाश्ता। अस्पताल दादी को लेकर, बिकॉज दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो अस्पताल लेकर आ गए। हाँ, बॉर्डर चल रही है अभी फिलहाल, ठीक हो जाएगा। हाँ बस सर्दी खांसी, पेट में कुछ दिक्कत हो। चलते फिर दादी को लेकर घर थोड़ी देर में, बॉटल जब ख़त्म हो जाए तब। बस थोड़ी रही, वैसे बॉटल इतनी सी रही है बस, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है, थोड़ी सी शांति रखनी पड़ी हॉस्पिटल में भाई। मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, चलते दादी को लेकर घर अब, लेट्स गो भाई। मेरी दादी को घर मैंने छोड़ दिया था एंड अभी आया था गाइस, आटे का डब्बा लेना मस्त आटा पीस दिया चक्की में, मतलब तो चलते कर लेकर इसको। ये तो अभी दादी फिलहाल मस्त आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम करने को कहा है तो आराम कर रहे फाइनली। दादा और मैं बैठे हुए बातें कर रहे हैं दादी से। बात बनाया खाने में गए, सूजिया की सब्जी एंड रोटी मस्त खाया था खाना। ओके तो जॉब जुब से आ गए थे घर एंड अभी चल रहे गए शहर कड़ी, शाम को चलने वाला था आपको पता ही है। भाई ऊपर से ये कट्टा गेहूँ लिए थोड़े, मम्मी ने कहा था कि भाई लेकर आना तो पूर लगा इस लेकर जाना पड़े। ये चेक करिए 5 किलो। दादी तो फिलहाल गए चावल वगैरह साफ कर रहे, तबीयत वैसे अब ठीक है, इसको बॉटल चढ़ाई तो ठीक हो गया अस्पताल में। चल ऑटो वाले को कॉल किया, वो बस खाता ही होगा। ओके तो ऑटो मिल गई फाइनली, चल रहा है बस स्टॉप, लेट्स गो। पहुँच गए थे बस स्टॉप एंड वेट करते हैं बस का फिलहाल, पता नहीं कब आएगी यार, थोड़ी लेट लग गया भाई। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. ओके तो फाइनली पहुंच गए थे गाइस कड़ी एंड चलते हैं सामने से ऑटो करके फटाफट कर। क्या कर रहा है भाई? ये क्या कर रहा है हाथ में लेकर बेम्बू का पाइप? यार भाई ये धो क्यों रहा है वैसे? तो काम सौंपा गया भाई पोगे चक्कर गए। बेम्बू की पाइपें जो आती है वो धो रहा है, बेम्बू धो रहा है भैया। धो के क्या करेगा हैं? ये क्या काम में लेने वाला है भाई? धो रहा है लड़का गाइस, कब से देख रहा हूँ मैं, पता नहीं कब से धो रहा है भाई सब बेम्बू की पाइपें। भाई दिवाली आई इसलिए तो ऐसे क्यों बट अरे जवाब मांगती है जनता, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? अबे बोलना नहीं बोलना। अरे बोल यार, अरे क्यों धो रहा है, रीजन तो बता। हाँ हाँ ये लड़का गई इतना शर्मिला है ना, मेरे प्रसाद खाए थे नानी, मस्त गए थे आरती में तो प्रसाद लाया मस्त। तो हो गया था गाइस दूसरा दिन एंड वी गाइस नानी और मैं फिर से जा रहे हैं बैंक में, और कल तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था नानी के साथ गाइस, नानी के पैसे चोरी हो गए। कल गाइस क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, सीन सुन नानी के साथ गाइस, सोचा नहीं था ऐसा होगा। कल नानी बैंक में पैसे लेने गए थे, मतलब 40,000 लेने गए थे, और घर आकर देखा कि ठीली थी उसमें, तो ठीली में गाइस पैसे ही नहीं थे, पैसे अचानक गायब हो गए, चोरी हुए क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला बीच में से। नानी कह रहे थे मैंने ठीली ऐसे ही रखी, मतलब पूरा कवर, मतलब ठीली गाइस प्रोटेक्ट करके ही रखी हुई थी, बट अचानक पता नहीं कैसे कहाँ गए पैसे, कुछ पता ही नहीं चला भाई। 40,000 रुपये चोरी हो गए या क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, गिर गए या क्या हुआ। घर आकर देखा और फिर सीन सुन ऐसा हुआ, फिर मामा को कॉल किया, मामा सीधे नौकरी से जॉब से आए सीधे, और फिर सब गाइस जांच पड़ताल की बैंक में, सब कैमरा वगैरह चेक वेक कराया तो उसमें भी कुछ नहीं आया, और जहाँ पर नानी दुकान पे जिस दुकान पे गए थे वहाँ जाकर भी देखा, और एक दुकान पे गए थे बट वहाँ का कैमरा काम नहीं कर रहा था, लाइट चली गई थी, सीन सुना ऐसा हुआ। पता नहीं वो दुकान पे कुछ हुआ या क्या हुआ, कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं लगा भाई, किसी को कुछ पता ही नहीं भाई क्या हुआ सीन सुन। तो नानी तो कल बहुत ही अपसेट थे बट 40,000 कोई ले गया, बहुत बड़ी रकम है 40,000 रुपये गाइस, बहुत बड़ी अमाउंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड गाइस, सोचा नहीं था ऐसा होगा। हाँ तू था कोई नानी पूछू या ना पूछू कुछ अजीब लग रहा है, मतलब एक ना एक बार दोबारा। हाँ नानी कैसे हुआ था कल? नानी को कुछ पता नहीं भाई कैसे कहाँ गए पैसे, कुछ पता ही नहीं चला, अब क्या करें। पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट गाइस हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ, मतलब 40,000 रुपये